हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुखा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 37 है, जिसमें आज हम बात करेंगे एरे के पुश और पॉप मेथड की। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे कि एरे का जो पुश मेथड होता है और पॉप मेथड होता है वो किस यूज में आता है। तो सबसे पहले कि हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉप मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। देखिए, अगर आपका एरे है और एरे में से अगर आप लास्ट का एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं, देन यू विल यूज पॉप मेथड। और पुश मेथड की डेफिनेशन है, द पुश मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द एंड। तो पुश मेथड क्या करता है, अगर आप एरे में लास्ट में अगर कोई भी एलिमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं एट द एंड, देन आप यूज करेंगे पुश मेथड का। तो पॉप मेथड क्या करता है, एरे में से लास्ट का एलिमेंट को डिलीट करता है और पुश मेथड एरे में एलिमेंट ऐड करता है एट द एंड। तो एक बार नोट पर प्लस प्लस में चलते हैं, इनका करते हैं इनका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ फ्रूट्स नाम का, FRUIT फ्रूट्स, और इसमें मैं एरे ब्रैकेट लेता हूँ और यहाँ पर मैं पास करता हूँ दो वैल्यू, जिसमें मैंगो और देन एप्पल होगा। तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यू को पास किया हुआ। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराने के लिए मैं यूज करूंगा DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पर एरे पास कर दूंगा इस तरीके से, सेमी कोलन सेव करता हूँ। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो क्या होगा, यहाँ पर एरे की जो मेरी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं एरे में से लास्ट का एलिमेंट मतलब कि जो एप्पल है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या मेथड यूज करूंगा, पॉप मेथड। तो कैसे यूज करूंगा, आपको लिखना है एरे का नाम FRUITS, डॉट लगाएंगे आप लिखेंगे पॉप मेथड, और आपको इसके पैरामीटर में कुछ भी आपको नहीं डालना है, ठीक है। अब मैं डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर एक BR टैग भी कोऑर्डिनेट सिंबल आके ऐड कर लेता हूँ, ताकि लाइन का एक ब्रेक भी रहे, ठीक है। सेव किया, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए। तो विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड हमने एरे में से लास्ट का एलिमेंट एप्पल को यहाँ पर रिमूव कर दिया, ये देखिए, क्योंकि मैंने रिमूव करने के बाद यहाँ पर फिर से एरे को प्रिंट कराया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ मैंगो ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, एप्पल हमारा एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। अगर मुझे एरे में ऐड करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं लिखूंगा FRUI एरे का नाम, डॉट मैं लिखूंगा पुश, और पुश मेथड में जो भी आपको वैल्यू ऐड करानी है एरे में, उसको आप डबल इन्वर्टेड कोम में पास करेंगे या सिंगल में पास कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड कर दिया बनाना, BANANA, ठीक है, और सेमी कोलन दिया। मैं एक बार फिर से एरे की वैल्यू को प्रिंट करा लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कॉन्कैट सिंबल लगा के यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ इस तरीके से। अब मैं सेव करता हूँ रिफ्रेश, तो आपने देखा, तो ये जो मेरा पहले एरे पे प्रिंट हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये विदाउट एनी पॉप और पुश मेथड के बाद जो भी हमने वैल्यू वहां पर दी थी, उसके बाद मैंने पॉप मेथड की हेल्प से एरे में जो लास्ट एलिमेंट था एप्पल उसको रिमूव कराया और फिर आप मैंने प्रिंट कराया, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एरे में पुश मेथड की हेल्प से लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हुआ और आप देख सकते हैं उसको मैंने प्रिंट कराया और मैंगो के बाद बनाना आ गया, ठीक है। अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पर कोमा लगा के सेपरेट कर सकता हूँ, ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पर दूं मैं एप्पल दे देता हूँ दोबारा से इस तरीके से, क्या ये ऐड होगा हमारे एरे में। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने जितने भी एलिमेंट आपको ऐड कराने हैं तो आप कोमा से सेपरेट करके पुश मेथड के अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पुश मेथड करता है क्या, एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। तो जितने भी आप यहाँ पर कोमा देके सेपरेट करेंगे तो एरे के हमारा जो डेटा है नया एलिमेंट है वो एरे में ऐड होता रहेगा। जैसे मैंने बनाना दिया एप्पल, यहाँ देता हूँ ग्रेप्स, ठीक है, सेव किया मैंने, अब किया रिफ्रेश। तो ये देखिए, तो बेसिकली अगर आपको एरे में लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना है आप यूज करेंगे पुश मेथड, अगर आपको एरे में से लास्ट में से डिलीट करना है कोई भी एरे, देन आप यूज करेंगे पॉप मेथड, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपने सीखा हाउ टू यूज पॉप एंड पुश मेथड ऑफ एरे। अगर ये एक्चुअली लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज करो सब्सक्राइब और बेल आइकन करो प्रेस, ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।